you more than welcome to my channel. This is me, your Smithy, and I'm here with another exciting video. So guys, जैसे कि नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है, दिवाली आएंगे, दुर्गा पूजा भी आने वाला है. सो क्यों ना मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा अलग कुछ लुक क्रिएट करें. तो मैंने ये लुक क्रिएट किया है. आई एम वेयरिंग अ सिंपल कुर्ता एंड वाइट लेगिंग्स. ये ब्लैक ग्रीन एंड रेड कलर पे है. सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल कुर्ता है और उसके साथ मैंने ये मेटल का इयररिंग पहना है. फिर ये लुक मैंने क्रिएट किया है. तो लिपस्टिक का भी मैं आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट. और मैंने लिपस्टिक, दो लिपस्टिक लगाया है, एक शुगर का और एक वो मेरा बेला वो स्ट्रे वाला लिपस्टिक, दोनों को लगाया है. आपको दोनों शेड देखने को मिल जाएंगे एंड यू कैन सी. सो यू कैन सी द आई लुक. ओके, और इंडियन लुक है तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक बिंदी तो ज़रूरत है ही. तो मैंने बिंदी पे लगा लिया है. इफ़ यू विश देन यू कैन पुट, इफ़ यू डोंट देन यू कैन स्किप दिस वन ऑल्सो. सो गाइस, दिस इज टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सिंपली है, बट जैसे कि ग्लिटरी आई क्रिएट किया है मैंने, तो थोड़ा सा फेस्टिव वाला माहौल आ जाता है इससे. सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है. मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि मैं ईजी तरीके से दिखाऊँ, तो आज भी मैंने वही इजी तरीके से ही दिखाने की कोशिश की है. आई होप कि आपको अच्छा लगेगा. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल. उसके साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सो गाइज, अब योर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. मेकअप से पहले हम करेंगे अपना थोड़ा सा स्किन केयर. तो मैंने लिया है गुड वाइब्स का मलबरी टोनर और उसको अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ. उसके बाद मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का सीरम और सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट. तो दो ड्रॉप ले लिया है, उसको अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर. अभी मैंने लिया है गुड वाइब्स का पपैया जेल और उसको अच्छी तरह से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी. प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है नायका का प्राइमर और अपनी टी जोन को फोकस करते हुए मैं अप्लाई कर रही हूँ. फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया है शुगर का स्टिक फाउंडेशन और उसको अपने फेस पे डॉट देते हुए मैं अप्लाई कर रही हूँ. और उधर पे ही जो ब्रश है उसी से ही मैं उसको ब्लेंड अप करूँगी. फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैंने लिया है शुगर का कॉम्पैक्ट पाउडर और एक फ्लफी ब्रश की मदद से उसको सेट कर रही हूँ. अब एक स्पूली की मदद से मैं अपने आईब्रोज को ब्रश कर रही हूँ. तो मैं आज यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल और उसी से अपना आईब्रोज को फिल कर रही हूँ. अब मैं फिर से वही स्पूली की मदद से उसको सेट कर रही हूँ. सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का कंसीलर और उसको अपने आईब्रोज को क्लीन करने के लिए उसमें अप्लाई कर रही हूँ. कंसीलर को मैंने अपने अपर आई और अंडर आई में भी अप्लाई कर लिया है और अभी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड कर रही हूँ. अब इसको सेट करने के लिए मैंने शुगर का ही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है और उसको एक ब्रश की मदद से सेट कर रही हूँ. सो टुडे आई एम यूजिंग द शुडा ब्यूटी का न्यूड वाला पैलेट एंड अभी इससे मैं एक ट्रांजिशन शेड लूँगी और उसको अपनी आईज में अप्लाई करूँगी. Thank you.
अभी मैं पैलेट से कंसीलर वाला शेड ले रही हूँ और इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस शिमरी वाला शेड और उसको अपने आईज में अप्लाई कर रही हूँ टैप टैप करके। सो इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन सी दिस इज़ द ग्लिटरी शेड। सो नाउ आई एम टेकिंग दिस शेड और उसको इस तरह से अप्लाई करूँगी, लाइक बैक साइड से अप्लाई करूँगी। अब वही शेड को मैं अपने लोअर लिड में अप्लाई कर रही हूँ, लाइक स्मच कर रही हूँ। सो टुडे आई एम यूजिंग दिस लैक्मी का लाइनर और उसको अप्लाई करूँगी, एक विंग शेप देते हुए इसको अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं इसी लाइनर को अपने वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा ही अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें काजल अप्लाई करूँगी। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस फिशेस कैनेडा का काजल और उसको अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ। सो मैंने ये आईलैशेस लगा लिया है। नाउ आई विल अप्लाई दिस सुगर का लिपस्टिक और उसको अप्लाई कर रही हूँ। सो यू कैन सी द शेड, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाउ आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर और उसको एक फ्लैट हाइलाइटर ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। सो नाउ मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। सो टुडे आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का ब्लश और आई एम अप्लाइंग दिस। नाउ आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल मेटल का इयर रिंग्स। सो टू कम्प्लीट दिस लुक आई एम वेयरिंग दिस बिंदी एज वेल। सो अभी मैं एक मतलब ईजी सा हेयर स्टाइल कर रही हूँ। यू कैन सी जस्ट इसको फोल्डिंग वे पे फोल्ड कर रही हूँ एंड नाउ आई विल पुट वन क्लिप और क्लचर।
विद दिस शुगर लिपस्टिक यू कैन सी द लुक एंड नाउ आई विल अप्लाई दिस बेला वोस्टी का लिपस्टिक। So that's it. You can see the look with this shade as well. And I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. If you did, please make sure to like, comment and share as well. Also, please make sure to subscribe my channel. अगर आप लोगों ने अभी तक subscribe नहीं करा तो. And अगर आप लोगों ने मेरा channel subscribe कर दिया then thank you very much. और आज मैंने ऐसे puff बनाया है. मेरा इतना perfect puff तो बनता नहीं है but मैंने थोड़ा कोशिश करा है कि अच्छे से बन जाए एंड अभी तक ये अच्छे से ही है. So that's it for the video. I hope कि आपको अच्छा लगा होगा. You enjoyed the video. Thank you.